तिनिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्ध दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयताम सुरतर पंगर मम मंद मतेर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषये नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 25वें अध्याय का 3 नंबर का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अहो श्रीमद् महात्म्यम् गोपानां काननौकशाम् कृष्णं मर्त्यम् उपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम्। अहो श्रीमद् माहात्म्यम् गोपानां काननौकशाम् कृष्णं मर्त्यम् उपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम्। अनुवाद। इंद्र ने कहा, जरा देखो तो सही, इस जंगल में निवास करने वाले ये ग्वाले अपने वैभव से किस प्रकार
इतने उन्मत्त हो गए। उन्होंने एक सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण की है और इस प्रकार उन्होंने देवताओं का अपमान किया। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की हम लोग एक शब्दार्थ तात्पर्य अनुवाद कल पढ़ चुके हैं और भगवान इंद्र में क्रोध उत्पन्न करना चाहते थे और क्रोध उत्पन्न कर दिया। इंद्र क्रोध में आकर के और ब्रजवासियों के नाश के लिए संवर्तक मेघों को नियुक्त कर दिए, उनको प्रेरित किए, उनको लगा दिए और वे इतने क्रोध में हैं कि अपने भावना को भी व्यक्त कर रहे हैं। कल हम लोग सुन चुके हैं इंद्र क्या कह रहे हैं, लेकिन सरस्वती जी और इंद्र के वाणी में बैठ करके और कृष्ण की प्रशंसा ही कर रही है। इंद्र तो अपने तरफ से उनको गाली दे रहा है, लेकिन सरस्वती जी बिल्कुल सिद्धांत की बात बोल रही। हम लोग कल सुने थे कृष्ण मर्त्यम उपाश्रित ये चक्र देव हेलन, ये मर्त्यम उपाश्रित कृष्ण, मर्त्य का अर्थ है कि जो मनुष्यों के लिए हितकारी है, उपाश्रित भगवान का वे आश्रय लिए, कृष्ण का आश्रय लिए और कृष्ण का आश्रय मनुष्य के लिए बहुत हितकारी है। वो कैसे हितकारी है इस क्रम में हम लोग द्वारकावासी के उक्ति को सुन रहे थे। भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारका के नजदीक पहुंचे तो द्वारका के निवासी बड़ी ही तेजी से कृष्ण के नजदीक पहुंचे। सब लोग भेंट लिए थे, कृष्ण को भेंट देना चाहते थे और नजदीक आए तो कृष्ण की स्तुति कर रहे, उनके विषय में बोल रहे और उसमें एक श्लोक है, नताश्म तेना सदांगि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेम मिहे क्षताम परम न यत्र काल प्रभवे पर प्रभु। उसको ला दीजिए, कौन है कंट्रोल में? मिलिट्री में कोई ड्राइवर हो, चपरासी हो, सब मिलिट्री का ट्रेनिंग लेकर के रहते हैं। भागवत विद्यालय में कोई भी सेवा हो, भागवत का ज्ञान चाहिए। यहाँ सबको इतना ट्रेंड होना चाहिए भागवत में क्या कहाँ है कैसे करना है, तभी यहाँ नियुक्ति रहेगी। हम लोग इसी श्लोक को विचार कर रहे थे कल, तो द्वारका के निवासी कह रहे हैं कि ते अनृपंकजम नता, हम लोग आपके चरण कमल को नतमस्तक है, उसके शरणागत है। और कृष्ण पूछ सकते हैं कि हमारे चरण का आश्रय क्यों ले रहे हो, तो कह रहे कि परम ये सबसे
ऊंचा यही है, सब सर्वोच्च स्थान इसका है। और इसका लक्षण क्या है? विरिंच वैरिंच सुरेंद्र बंधु, यह ब्रह्मा जी हो, यह ब्रह्मा के विरक्त पुत्र शनकादि हो, या दूसरे भी देवता हो, या स्वयं देवताओं के राजा इंद्र, सब लोग वंदना करते हैं। और भगवान के चरण के विषय में कह रहे हैं कि यह इस संसार में क्षेमम इच्छता, जो लोग अपना कल्याण चाह रहे हैं उसके लिए परायण सर्वोच्च आश्रय यही है। और क्षेम मुख्य रूप से दो खंड में रखते हैं, दुख कहानी सुखावाप्ति, दुख है की समाप्ति और सुख की प्राप्ति। और जो अपना दुख दूर करना चाहते हैं और सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए सर्वोच्च आश्रय भगवान के चरण कमल है। और कल हम लोग नारद जी की उक्ति सुने थे कि चाहे धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, और एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम, और उसका साधन एक है, भगवान के चरण का सेवन करना, उसका आश्रय लेना। और ये भी हम लोग सुने कि केवल आश्रय मात्र से चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है, केवल आश्रय लेने से। और एक चीज है ध्यान देने की है कि वैसे भगवान के चरण का आश्रय लेने से चारों पुरुषार्थ प्राप्त होता है, लेकिन भगवान के चरण के आश्रय का स्वाभाविक फल मोक्ष है। और मोक्ष और तीनों पुरुषार्थ में रिलेशन भी समझना चाहिए। ये चार पुरुषार्थ तो कहा गया है, लेकिन चारों पुरुषार्थों में लक्ष्य तो मोक्ष ही है, तीन तो उसके साधन ही है। अब भले ही कुछ लोग साधन में फंस जाते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन चार पुरुषार्थ की जो व्यवस्था है तो अंततः मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही। तो भगवान के चरण का आश्रय लेने का स्वाभाविक फल मोक्ष है। और यदि कोई चाह रहा है तो अर्थ धर्म की भी प्राप्ति हो जाएगी, काम की भी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन स्वाभाविक फल है मोक्ष। एक बार की घटना है, महाराज युधिष्ठिर राजस्वीय यज्ञ करना चाहते थे, बहुत दिन से उनकी इच्छा थी। अब किसी किसी के मन में प्रश्न होगा कि उनको क्या जरूरत है, इतना भारी पूजा की क्या आवश्यकता थी। और वास्तव में वो कोई अपना वैभव नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के मन में यह विचार था कि स्थापना हो जाए कि भगवान के भक्तों का ही सर्वोच्च स्थान। देखिए जब 10-20 लोग जुटते हैं तो कुछ कुछ बात विवाद भी होने लगता है, और यहां तक कि हस्तिनापुर में भी कभी कभी आपस में बहस चलता, ठीक है भगवान की पूजा है लेकिन धन चाहिए तो उसके लिए तो शिव जी की पूजा करनी होगी ना, धन तो वही देते हैं ना, भगवान तो मोक्ष देंगे ना। और उधर भी कुछ बहस चल रहा था, और युधिष्ठिर महाराज के मन में
यथार्थ न इस बात की स्थापना हो जाए कि भगवान के भक्तों का ही सर्वोच्च स्थान सबसे ऊपर वो होते। देखिए धन इत्यादि भी भगवान के भक्तों को मिलता है, लक्ष्मी जी तो उन्हीं से संतुष्ट रहती है ना। और आज भी देखा जाता है कि जो बहुत धनी धनी व्यक्ति हैं, वे भगवान का आश्रय लिए। हम सुनते हैं कि भारत का एक सबसे धनी व्यक्ति उनमें से है और उसके परिवार के लोग यह नियम रखे हैं कि जिस शहर में रहते हैं यदि वहां इस्कान का मंदिर है तो एक बार दर्शन करने जरूर जाते हैं। जबकि मतलब ये लोग टॉप के भारत के 10 लोगों का नाम लिया जाए उसमें आ जाएंगे। हम लोग तो इस समय नहीं जानते हैं कौन धनी है, वो बदलता रहता है, लेकिन हम लोग पहले यही जानते थे कि भारत में सबसे धनी टाटा बिरला। टाटा बिरला भाई तो बिरला परिवार के नाम आप सुनिए, घनश्याम दास, जुगल किशोर, स्पष्ट है कि वो वैष्णव परिवार। मंदिर भी हर जगह भगवान के बनाते हैं, बिरला मंदिर यहाँ भी मथुरा वृंदावन के बीच में, बनारस में कई एक जगह है। तो भगवान के भक्त का पोजीशन ऊपर होता है, लेकिन अब कुछ कुछ लोग विवाद करते रहते हैं और श्रीमद् भागवतम में भी वो सब घटनाएं कई एक घटनाएं लिखी गई। और महाराज युधिष्ठिर को कोई अपना वैभव नहीं दिखाना था, लेकिन उनके मन में था कि स्थापना हो जाए कि किसी भी माने में, वैभव के माने में भी भगवान के भक्तों का स्थान सर्वोपरि। और इसलिए वे यज्ञ करना चाहते थे, बहुत दिन से वे सोच रहे थे, लेकिन अब कोई उपयुक्त अवसर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है कि भगवान हस्तिनापुर में आए थे और महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ थे, सब भाई भी वहां उपस्थित थे। और जो अमात्य थे या और भी जो शासन के अंग होते हैं वो सब लोग थे और राज्य के जिला के सब गणमान्य लोग भी वहां बैठे थे। एकदा तो सभा मध्य आस्त मुनि पर बहुत सारे ऋषि मुनि भी थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भ्रातृ विश्व युधिष्ठिर सब समुदाय के प्रतिनिधि वहां थे, आचार्य लोग थे और परिवार के भी जो ज्ञानी लोग थे, ज्ञाति संबंध बांधव। महाराज युधिष्ठिर का और भी गुतिया परिवार के जो भी थे सब थे। तो श्रीवता में चैतेशम आभास्य इदम उवाच। भगवान युधिष्ठिर महाराज विचार की कि यह बिल्कुल उपयुक्त अवसर है, तो भगवान से प्रस्ताव रखे। सब लोग थे, सब लोग के सुनते हुए प्रस्ताव रखे। वे कहे कि क्रतु राजे न गोविंद राज सुनिए न पावनि यक्षे विभूति विभवकश तत्संपादक न प्रभो। हम राज सूर्य यज्ञ से आपका यजन करना चाहते, भगवान का यजन करना चाहते, तो कृपा करके आप इसको पूरा कराइए। और भगवान से प्रस्ताव रखे, मानो भगवान कहे कि इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो
जानते हो इसके लिए क्या क्या चाहिए, कितना धन चाहिए और क्या क्या चाहिए, इतना कैसे तुम साहस कर दिया इतना बड़ा आयोजन करने का। और युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि त्वत्पाद के अविरत परिजय चरण की ध्यान के भद्र नसन सुचय घृणन। कोई पवित्र आत्मा है, शुचि है, पवित्र है और त्वत्पाद के अविरत परिजय चरण की आपके चरण युगल की अर्चना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, बिंदन कृत कमर नाम भवापवर्ग अभद्र नसन भगवान के चरण युगल की विशेषता बतला रहे हैं कि सब प्रकार के अभद्र को नष्ट करने वाले और उसका जो ध्यान कर रहा है अर्चन कर रहा है तो उसका स्वाभाविक फल क्या होता है, बिंदन कृत्य कमल नाम भवापवर्ग वह भाव से अपवर्ग प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान के चरण के आश्रय का अर्चन पूजन का स्वाभाविक फल है मोक्ष। लेकिन आशा सत्य यदि इस आशा सत्य यदि आशीष ईस नाम में, लेकिन यदि वह आशा रखता इच्छा रखता है कि हमको दूसरी भी सुविधा प्राप्त हो, यहां का वैभव भी प्राप्त हो, उसके मन में कुछ कामना है आशा है और यदि आशा रखता है तो कह रहे हैं कि उसकी भी प्राप्ति उसी को होता है न अन्य। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको अर्थ धर्म काम की भी प्राप्ति नहीं होती। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि स्वाभाविक फल है भवापवर्ग, लेकिन उसके मन में इच्छा है दूसरी कामना है तो वह भी प्राप्त कर लेता है। हम यही कह रहे थे कि स्वाभाविक फल है मुक्ति, लेकिन इच्छा है तो वह भी प्राप्त होता है। उसके लिए वे भगवान के चरण का आश्रय ही साधन है। जो व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं लेगा और उसको लौकिक सफलता भी नहीं प्राप्त होती। आप एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। एक बार समुद्र मंथन हुआ, बहुत भारी उपक्रम था, भगवान सलाह दिए थे इंद्र को कि समुद्र मंथन करो, लेकिन इंद्र के लिए संभव नहीं लग रहा था, कठिन कार्य था, तो वे दैत्यों से समझौता किया और समुद्र मंथन हुआ, अमृत की प्राप्ति हुई। लेकिन अब इस लीला को कह करके सुखदेव गोस्वामी एक टिप्पणी दे रहे हैं। उनकी एक टिप्पणी है कि भाई एक स्थान पर यह उपक्रम प्रारंभ किया गया, अब समुद्र मंथन के घटना पर विचार कीजिए तो दैत्य और देवता दोनों एक जगह ही अपना पूंजी निवेश किए थे, शक्ति लगाए थे, सब चीज एक था, लेकिन फल में भेद हो गया। फल में भेद हुआ ना, देवता लोग तो अमृत का पान किए और दैत्यों को नहीं मिला, दैत्य कम परिश्रम किए थे, परिश्रम कम नहीं किए थे बल्कि कष्ट कुछ अधिक भोगे थे, अपने अहंकार के चलते वे कुछ अधिक ही कष्ट भोगे। लेकिन फल में अंतर हो गया। तो इस घटना को समराइज करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एवं सुरासुर समुदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयो के फले विकल्प। सुर और असुर
गण के उपक्रम पर विचार कीजिए तो देश एक था, समय एक था, और जो भी संसाधन था वह भी एक था, और उद्देश्य भी एक था। दोनों का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना ही था, लेकिन फल में अंतर हो गया। क्या अंतर हुआ? तत्रामृतम सूर्यगणा फलमंजसा। देवता लोग बड़े आसानी से कचक करके छक करके अमृत पान किए, और दैत्य लोग न। तो भी अंतर कहाँ हो गया? ये तो पाद पंकज रज प्रेरणा, देवताओं के फल की प्राप्ति हुई क्योंकि भगवान के चरण कमल का आश्रय लिए, और न दैत्य। दैत्य लोग तो आश्रय नहीं लिए थे। तो अंतर करने वाला कारक भगवान का चरण ग्रहण करना ही हुआ ना। चरण का आश्रय जो लिया उसको फल प्राप्त हुआ, जो आश्रय नहीं लिया उसको नहीं हुआ। और जो युधिष्ठिर महाराज इसी को कह रहे थे, न आने जो आपके चरण की उपासना करता है तो स्वाभाविक फल मोक्ष है, लेकिन उसके मन में कामना है, कुछ सुविधा चाह रहा है, कुछ फल चाह रहा है, लौकिक फल चाह रहा है, तो वो अभी उसी को मिलता है, दूसरे को नहीं। और द्वारका के निवासी कह रहे हैं कि परायणम छेम विहेच्छताम परम, जो भी इस संसार में अपना कल्याण चाह रहे हैं उसका साधन, सर्वोच्च साधन आपका चरण कमल है। और चरण कमल के सर्वोच्चता स्थापित करने में एक सिद्धांत और दे रहे हैं, एक तथ्य और दे रहे हैं, न यत्र काल प्रभवित पर प्रभु। आपका चरण कमल ही एक स्थान है जहां काल का प्रभाव नहीं होता है। काल का परिचय क्या दे रहे हैं? पर प्रभु वह सबके ऊपर शासन करता है, पर जो श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मा इत्यादि, उनका भी प्रभु है। काल है सबका प्रभु है, लेकिन यत्र काल न प्रभावित, भगवान के चरण कमल में उसका प्रभाव नहीं होता। काल बहुत प्रबल है, इसे सृष्टि में सबसे ऊपर स्थान है ब्रह्मा जी का, उन्हीं का सबसे ऊपर स्थान है ना। और ब्रह्मा जी की स्थिति है कि वे काल से बचने के लिए, काल पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी खुद ही तृतीय स्कंध में स्वीकार किए हैं कि जस्मात् विभेद्य हम अपि द्विपरार्ध दिशं अध्यासित सकल लोक नमस्कृतम यत्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम तो पद पाए हैं जिसका सब लोग सम्मान करते हैं, अध्यासित सकल लोक नमस्कृतम, सब लोग उसका सम्मान करते हैं। तो पद भी सबसे ऊंचा है, और वह थोड़े दिन के लिए नहीं, द्विपरार्ध दिशा, और बहुत लंबे समय के लिए पद है, दो परार्ध के लिए। लेकिन तेपे तपे बहुत अवरुद्ध समान है, हम तो बहुत दिन तक तपस्या करते रहते हैं। काल से बच जाए, जस्मत विभेम अहम अभी, यह पोजीशन पा करके भी मैं डरता रहता, और इसलिए उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, उससे सुरक्षित रहने के लिए मैं तो बहुत बहुत दिन तक तपस्या की। तो ब्रह्मा भी काल के अधीन पर प्रभु, काल इतना प्रबल है कि किसी उपाय से उसको परास्त नहीं किया जा सकता। एक बार की घटना है
के बामन देव बलि महाराज के यज्ञ में गए। और बलि महाराज तो सत्कार की है, लेकिन भगवान तो छल कपट करके उनसे वचन ले लिए, तीन जग भूमि ले लिए। बलि महाराज तैयार हो गए, भगवान कहे थे कि तीन भूमि चाहते संविधानी मम अपने पैर अपने देख से। अब वैसा किए तो दो डेग में ही सब समाप्त हो गया, तीसरे के लिए मांग करने लगे। अब मांग करने लगे तो इस लेवल पर चले गए कि बलि महाराज को बांध दिए, अरेस्ट कर दिए। अब तो अरेस्ट कर लिए तो बलि महाराज के जो अनुचर थे तो उनको बड़ा बुरा लगा। उनके मन में आया कि देखो ये कितना शैतानी कर रहा है, ये छोटा रूप बना करके आया और नापते समय कितना बड़ा दिया, ये कितना बुरा आदमी है और अभी हमारे स्वामी को बांध रहा है। वो स्वामी तो इसने यज्ञ में दीक्षित है, अब यज्ञ में दीक्षित है तो किसी की हिंसा नहीं करेगी। यज्ञ का संकल्प लिए अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ है तो हिंसा तो किसी का नहीं करेंगे। तो वे तो यज्ञ के संकल्प के चलते बंधे हुए हैं, लेकिन हम लोगों का क्या कर्तव्य, हम लोग भी ऐसे बैठे रहे। वो सोचे कि स्वामी यज्ञ में दीक्षित है, हम लोग खड़े दीक्षित है, हम लोग इसको मार करके भगा देंगे, ऐसा अत्याचार कर रहा है। ओ ये लोग भगवान से तरफ चल गए हथियार लेकर के, और बलि महाराज मना कर रहे थे, लेकिन वो तो दैत्य है, आक्रोश में थे, चले और भगवान के पास तो पहुंच नहीं पाए अभी, जे वही चले और तब तक भगवान के कई एक पार्षद वहां उपस्थित हो गए। कई एक का नाम दिया गया है श्रीमद् भागवतम में, और एक चीज है नोट कर लेना चाहिए कि जय विजय का भी नाम उसमें है। अब इस टॉपिक तो चालू करने पर इतना प्रश्न आने लगेगा कि वही धारा ही बदल जाएगी, लेकिन इतना भागवत पढ़ने वालों को जरूर ध्यान रख लेना चाहिए कि जय विजय भगवान की सेवा में उपस्थित हो। कई एक पार्षद है जय विजय का स्पष्ट नाम, और इससे सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि जय विजय का जो पतन हुआ है वह आंशिक रूप से हुआ ब्राह्मणों के प्रति भय उत्पन्न करने के लिए, सर्वांश रूप से पतन नहीं है। भगवान की भी मजबूरी है, अपने पत्नी को खुश करना है और धर्म की स्थापना करना है तो उसके लिए ब्राह्मणों का भी महत्व स्थापित करना है, और खुद उनके अपनी भी कुछ इच्छा थी और उस इच्छा को सेवक लोग पूरा करना चाहते थे, तो आंशिक रूप से वो भी भौम वैकुंठ से उनका पतन हुआ है। और जो हो तो वे लोग देखे कि स्वामी के तरफ लपक रहे दैत्य लोग, तो वो लोग दैत्यों को मारना प्रारंभ। अब दैत्य लोग भी उनसे भीड़ गए और बलि महाराज कहने लगा क्या रहे ऐसा भूल मत करो। अब तो भीड़े तो भगवान के पार्षद बहुत पिटाई करने लगे दैत्यों को, और बलि महाराज कहने लगे अरे तुम लोग लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। कह रहे हैं कि यह प्रभु सर्वभूताना सुख दुखो उपत्तये तब नाथ वर्त तुम दैत्य पौर से ईश्वर कुमार। अरे तुम लोग है सिद्धांत नहीं समझ रहे हो, काल हम लोगों के विपरीत हो गया है, और ईश्वर कुमार कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी पौरुष से काल पर विजय नहीं प्राप्त करेगा, उसको नहीं दबा पाएगा। ओ तुम लोग लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, कोई भी
काल पर काल को नहीं दबा सकता, तुम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि काल हम लोगों के विपरीत है। और करे कि कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले, बने न बहुत भारी सेना लगा दे, ये सचिव है अब कोई मंत्री रख ले, वकील रख ले, या अपने बुद्धि का उपयोग करे, या खूब बड़ा दुर्ग बना ले, या मंत्र का उपयोग करे, औषधि का उपयोग करे, या घूस घास दे कर सभी लोग मैनेज कर ले। अरे कि किसी उपाय से काल नाते वही जन कोई भी व्यक्ति काल का पार नहीं पा सकता। देखते हैं ना किसी को कुछ समस्या है और महंगा महंगा दवा से कुछ निराकरण हो जाता है, किसी पर कोई संकट है, लीगल कॉम्प्लिकेशन है, बड़ा बड़ा वकील रख करके कुछ सरकार देते हैं और है कुछ मैनेज कर लेते हैं। ये तो हम मैनेज का अर्थ जानते थे लेकिन दूसरे अर्थ में हम सुना। एक दिन कचहरी में था और एक व्यक्ति का जमानत टूट गया था और जो सीनियर वकील थे अपने, अरे देखो जाकर के मैनेज करो इसमें क्या मैनेजमेंट है। लेकिन मैनेज का उस दिन मैं अर्थ जाना ये क्या अर्थ है, और मतलब कुछ घुस घास दे करके उसको सरकार तो शाम कुछ लोग बात करके नेगोशिएट करके पैसा दे करके, लेकिन काल के साथ ये नहीं चलेगा। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी उपाय से काल पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के शरण ग्रहण कर लिया, उसका आश्रय लिया, तो न यत्र काल प्रभावित, वहां काल का प्रभाव नहीं होता है। अरे प्रभाव डालने के बाद तो दूर है, काल वहां से भागने लगता है। काल से बहुत व्यक्ति भयभीत है। अक्रूर जी कह रहे क्रोधिता नाम शरण नाम निर्णाम, जैसे किसी को सांप लखेद ले, ये अक्रूर की युक्ति नहीं। उन्हीं के प्रोद्विजिता नाम शरण शरणाम निर्णाम, किसी को सर पीछा कर ले तो व्यक्ति कितना भयभीत हो जाएगा। अरे सांप का नाम सुन करके व्यक्ति भयभीत हो जाता है। केवल झूठे पर ही हल्ला कर दीजिए, अचानक सांप सांप सब लोग उठ करके भागने लगे, और जिसका पीछा कर लिया वो कितना भयभीत हो। लेकिन अप्यंग रिमूले पतस्य में भी हो शिरस्य धास्य निज हस्त पंकज, अक्रूर जी कह रहे हैं कि उनके उसी चरण में मैं गिरूंगा जिस चरण का आश्रय लेने से दत्ता भय हाथ अभय दान कर देता है, और उसी हाथ को हमारे मस्तक पर रखेंगे। और जो व्यक्ति भगवान के चरण का आश्रय लेता है तो वहां काल का प्रभाव नहीं होता है, भगवान अभय दान देते हैं। और प्रभाव होने की बात तो दूर है, देवकी जी तो कह रहे हैं कि अस्मात्र पैती, काल सबका पीछा किया है लेकिन भगवान का शरण ग्रहण कीजिए तो खुद काल ही भागने लगता है, उसे दूर भागने लगता है। जो भगवान के भक्त है उस पर काल का प्रभाव नहीं चलता है। प्रसिद्ध घटना है कि जब ध्रुव जी बद्रिकाश्रम में भजन किए और उनका चित्त द्रवित होने लगा, भगवान के प्रेम का उद्रेक आने लगा, उनकी दशा को देख करके भगवान विमान भेजे, अपने पार्षदों को भेजे, पार्षद आ करके ध्रुव महाराज से कहे हम लोग आपको लेने के लिए आए। और ध्रुव महाराज को जो पता चला हमको वैकुंठ जाने का अवसर है, तो वहां के जितने भी आसपास के ऋषि मुनि थे वे जाकर के उनको नमस्कार किए, उनसे छुट्टी ली और वो चढ़ना चाह रहे थे विमान पर, लेकिन हम थोड़ा रुक गए,
वो चढ़ने की सुविधा नहीं थी। विमान में चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ी भी गिराते हैं उठाते हैं ना, तो वो था अभी विचार ही कर रहे थे कि कैसे चढ़े। और तब तक काल आ गया, वो कहा कि आप बैकुंठ जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे शरीर पर तो हम लोगों का अधिकार है, हम किसी के शरीर को नहीं छोड़ते, उसको नष्ट करते हैं, तो आपके शरीर को भी मैं नष्ट करूंगा। वो काल अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन वही खड़ा था ध्रुव महाराज देखे के, तो अच्छा ये एक सीढ़ी का काम और उसी के मस्तक पर रखकर विमान पर चढ़ गए। और द्वारका के निवासी कह रहे हैं कि न यत्र काल प्रभवे, जो सबको सुख दुख देने वाला, सबको तंग करने वाला, और भगवान का आश्रय लेने से उस पर प्रभाव नहीं करता। भगवान का आश्रय ले लिए और अब काल के क्षेत्र से बाहर हो, उसके ज्यूरिडिक्शन में वो व्यक्ति नहीं। यह भगवान के चरण की विशेषता। कह रहे हैं कि परायणम क्षेम मिहेच्छता, जो अपना कल्याण चाह रहे है, मंगल चाह रहे है, वो सबसे बड़ा आश्रय यही, सबसे बड़ा सुख, वहां काल का कोई प्रभाव नहीं। और इस प्रकार भगवान के चरण आश्रय की महिमा है। और जो इंद्र का श्लोक है और सरस्वती जी इसी अर्थ पर बोल रहे, मर्त्यम उपाश्रित्य, मर्त्यम जो मनुष्य के लिए बहुत हितकारी है, भगवान का आश्रय बहुत भारी हित करने वाला। और भगवान का आश्रय लेते हैं तो अब किसी प्रकार की चिंता नहीं रह जाती। तो ऐसे इंद्र क्रोध में बोल रहे हैं, और क्या उनके उक्ति का अर्थ होगा, हम लोग एक श्लोक को सुने और एक श्लोक कल भी हम लोग विचार करेंगे, एक या दो जितना हो, आगे के श्लोक पर हम लोग कल विचार करेंगे। और भागवतम का श्लोक तो हम यही स्थगित करते हैं, विराम देते हैं, लेकिन कल एक प्रश्न किए थे प्रभु जी के, शरणागति और आत्मनिवेदन, वे तो कह रहे हैं कि हमको तो दोनों एक लगता है, या कम से कम आधा सुधा तो जरूर देता है। और पहले और अपने विचार को स्पष्ट करेंगे कि कैसे एक है, ये नहीं कर आपसे सुनना चाह रहे हैं, हमसे सुनना चाहते हैं। अब देखिए कल अभी शरणागति की बात चल रही है, तो शरणागति बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और शरणागति के विषय में किसी को संशय भी नहीं है, जो भक्त है तो शरणागति का क्या स्वरूप है श्लोक उनको याद है। हम समझते हैं कि यहाँ जितने लोग हैं 80% लोगों को श्लोक याद है। क्या श्लोक है? सद्विदा शरणागते आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल विवर्धन, या थोड़ा पाठ भी भेद भी है। और रक्षिष्यति विश्वास गोपतृत्व वर्णन, आत्मनिक्षेप कार्य पर सर्ग विधा शरणागति। श्लोक याद है, अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूल्य विवर्जनम रक्षिष्यति विश्वास और गोपतृत्व वर्णन तथा, यहां तक कोई कठिनाई भी नहीं आती है। लेकिन आत्मनिक्षेप कार्य पॉइंट, यहाँ संस्कृत भी अब कुछ किसी ये कैसे लिखा गया है, कुछ कुछ कठिनाई आने लगती है। हम लोगों का तो यही अनुभव है कि इसमें कुछ कुछ कठिनाई आने लगती है। जो सर्विदा शरणागति,
शरणागति छह प्रकार से ली जाती है। और पहला क्या है, आनुकूल्य से संकल्प, भक्ति के है जो अनुकूल है, भक्ति में सहायक है, तो उसको तो प्राप्त करने का, संग्रह करने का संकल्प मन में लेते हैं। और प्रातिकूल्य विवर्जन, जो प्रतिकूल है, भक्ति के बाधक है, तो उसको दूर रखने का संकल्प लेते हैं, उसको नजदीक नहीं आने देते हैं। और रक्षिष्य प्रति विश्वास को, भगवान हमारी सब तरह से रक्षा करेंगे यह विश्वास रखते हैं। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, विश्वास और पालन, यह मन में विश्वास होता है कि भगवान हर तरह से हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन प्रभु जी की भ्रांति क्या है, क्या शरीर की रक्षा की बात करी जाए। देखिए यह भी है, लेकिन केवल यह नहीं है, कई एक तरह से रक्षा के लिए भगवान पर विश्वास होता है। वास्तव में हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो भगवान के सौहार्द से ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो अपने बल से चले तो पतन हो जाता है। लेकिन तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रशन मार्ग कोई बद्ध होगा। देवता लोग कह रहे हैं कि हे माधव, आपके भक्तों की यह स्थिति नहीं है, इनका पतन नहीं होता, वे तो आपका आपके सौहार्द से बंधे हुए हैं, संबंध से बंधे हुए हैं, तो विचरण निर्भया, निर्भय विचरण करते हैं। और विनायका युद्ध मूर्ध सूत्र, वो विघ्नों के सरदारों के मस्तक पर पैर देकर के चलते हैं, विघ्न के नहीं कर रहे, विघ्नों के युद्ध सरदार जो है उनके मस्तक पर पैर। तो ये जो रक्षा की बात है बहुत भारी व्यापक क्षेत्र है, इसका केवल शरीर तक यह सीमित नहीं है। यहाँ संकर्षण निताई प्रभु बैठे हुए हैं, ये लोग हम लोगों के संन्यास का इंटरव्यू ले रहे थे मायापुर में, और एक व्यक्ति थे वेदांत चैतन्य प्रभु, और उनसे हमारा बहुत परिचय नहीं था, प्रथम बार उन्हें इंटरव्यू के लिए ही साक्षात्कार हुआ था। तो ये सब लोगों से पूछ रहे थे, हमसे पूछे ये संन्यास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, संन्यास में तो बहुत संकट आता है, बहुत बाधा आती है, अपने को आप संभाल लेंगे, आप कैसे साहस कर रहे हैं। तो मैं कहा कि अरे जितना दिन ऐसे निर्वाह हुआ तो भगवान की दया से सब उसी में गौरांग प्रभु थे, आगे भी निर्वाह हो गया, हमारा सपोर्ट ही कर दिए। व्यक्ति भक्ति के पंथ पर चल रहा है और वास्तव में अपना कोई बल काम नहीं करता है, एक एक से घटना है जो सक्षम है विचलित करने के लिए। अजामन की घटना आप जानते हैं, जो उद्देखा दृश्य, वो अपने से प्रयास किया, वो बहुत भारी संस्कार युक्त था, उसका गुण सुने है ना, कि मृदु था, कम बोलने वाला था, पिता के आज्ञा पालन करने वाला था। और अब वो देखा वो दृश्य तो वेश्या के तरफ मन खींच गया, लेकिन वो अपने साधना के बल से अपने मन को समाहित करना चाहे, लेकिन न ससा कर समर्थ नहीं हुआ, मन मदन देती था। अब मन में तो काम का संचार हो गया, तो अपने बल से हुए नहीं,
वह अपने को संभाल पाया। और भक्त तो भगवान के भरोसे ही भक्ति का जीवन जी रहे। वृंदावन महिमामृत में एक श्लोक है, उसमें ग्रंथकार कह रहे हैं कि हमारी जो बुद्धि है, विचार है, तो ये तो वासनाओं से भरा हुआ है। ऐसे श्लोक प्रारंभ होता है। वो हजारों हजारों सुदृढ़ है, रस्सी से बंधा हुआ है। और वे कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप अपने बल से स्वबले न कृष्ण आकृष्य और वृंदावने विहरत। जो राधा कृष्ण आप दोनों विहार कर रहे हैं, तो अपने चरणों के नजदीक हमारे मन को लाइए। दुर्वासना सुदृढ़ रज सतह निबद्ध, अपनी स्थिति बतला रहे हैं कि दुर्वासना रज सतह निबद्ध। ये जो हमारी स्थिति है कि हमारा चित, हमारा मन तो दुर्वासना रूप सैकड़ों सैकड़ों रस्सी से बड़ा बंधा हुआ। अब हम तो उसको खींच नहीं पाएंगे, लेकिन हे कृष्ण बले न कृष्ण, हे कृष्ण तुम आकृष्ण स्वबले न कृष्ण, अपने बल से इसको खींचिए। और वृंदावन विहर कर, वृंदावन में विहार कर रहे हैं, उसे अपने चरण के नजदीक हमारे मन को कीजिए। दुर्वासना सुदृढ़ रज सतह निबद्धम आकृष्ट कृष्ण स्व आकृष्ट स्व बले न कृष्ण वृंदावनम विहर से। ऐसे कह रहे हैं, तो हम यह कह रहे हैं कि भक्त भक्ति का जीवन जी रहे तो हर क्षेत्र में भगवान पर विश्वास करते, उन्हीं के भरोसे रहते, वही रक्षा करेंगे। और वास्तव में जो भगवान का भरोसा न रखे उनके लिए बहुत बहुत कठिनाई आ जाए। अब यहाँ यह कह रहे हैं कि ये जो रक्षित विश्वास व्यापक क्षेत्र है, केवल शरीर की रक्षा की बात नहीं, यह भी है, लेकिन ये व्यापक है। और गोपतृत्व वर्णन तथा भगवान को ही रक्षक के रूप में वर्णन करते हैं। और आत्मनिच्छे कार्य सर्व विधा सरकार करती, और आत्मनिक्षेप है और कार्य है, मतलब अपने को तीन ही बतलाना। ये छह प्रकार की शरणागति है, लेकिन एक चीज ध्यान देने का है कि छह जो अंग है शरणागति के, तो इसमें अंग और अंगी का संबंध है। जैसे ये हमारा शरीर है तो ये अंगी है, और हाथ पैर अंग है, समझ रहे हैं, जिसके अंग होते हैं उसको अंगी कहा है। छ तो शरणागति है, इसमें अंगी और अंग का संबंध है। तो प्रश्न होगा कि कौन अंग है, कौन अंगी है। तो ये जो पांचवा आइटम नहीं, चौथा आइटम है, वो क्या है, गोपतृत्व वर्णन। तो यह अंगी है, और बाकी जो पांच है वे अंग है, समझ रहे हैं। मतलब मुख्य चीज है गोपतृत्व वर्णन, अपने रक्षक के रूप में भगवान का चयन करना, वर्णन करना। ये अंग हुआ और पांच ने अंगी है और पांच अंग है। तो अर्थ अनुकूल प्रतिकूल ये समझ गए। अब
ये जो दो चीज है या तीन चीज है, गोतृत्व वर्णन करता उन्हीं को अपने रक्षक के रूप में वर्णन करना और आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का अर्थ है कि अपने को पूरा पूरा फेंक देना, हटा देना। क्या मतलब हुआ? तो अपने अहंकार का पूरा पूरा त्याग कर देना। ऐसा लिखा गया है कि केनापि देवेन युधिष्ठिरेण यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। आत्मनिक्षेप का स्वरूप है कि इस भावना में होना चाहिए कि हमारे अंदर कोई है, कोई देवता है, और जो वह जैसे हमको नियुक्त कर रहा है वैसे ही हमको करना है, हमको अपने तरफ से नहीं कुछ करना है। के नापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई पूज्य व्यक्ति हृदय में बैठा हुआ है, परमात्मा है, और यथा नियुक्त अस्मि तथा करो, वो जैसा नियुक्त किया है, जो प्रेरणा दे रहा है वैसा ही करना है। अपने स्वतंत्रता का त्याग करना, यही है आत्मनिक्षेप। इसको कहा गया है कि अहंकृति मकारस्य नकारस्तत् निषेधः। हम लोग नमस्कार करते हैं तो नमस्कार करने का भाव क्या है? इसको कह रहे हैं कि जो मकार है, नम दो वर्ण है ना, तो मकार है वो अहंकार है और न उसका निषेध है। तो तस्मात् तो मनसा क्षेत्री स्वातंत्र प्रतिषिध्यते। और शरणागति का अर्थ है, नमस्कार का अर्थ है कि अपने स्वतंत्रता का छेदन कर, अपने स्वतंत्रता का छेदन कर दिए और जो बचा वही नमस्कार है। तो हम यह कह रहे हैं कि आत्मनिक्षेप का मुख्य अर्थ है कि अपने अहंकार का त्याग करना, अहम भाव का त्याग करना। और इसके त्याग की आवश्यकता है, ऐसा लिखा गया है कि अहंकार निवृत्ता न केशव नहीं दूर का। जो अहंकार से मुक्त हो गया तो उसके लिए भगवान दूर नहीं है, लेकिन अहंकार युक्ता न मध्य पर्वत राशय। और जो अहंकार से युक्त है तो यही समझिए कि भगवान और उसके बीच में बड़े बड़े पर्वत। अहंकार भगवान तक पहुंचने के बीच में पर्वत खड़ा कर देता है। तो आत्मनिक्षेप का अर्थ है अपने अहंकार को दूर करना, अपना स्वतंत्र कुछ नहीं रखना। और जो व्यक्ति अपना स्वतंत्र विचार नहीं रखता तो उसको बड़ी आसानी से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है भगवान की शक्ति से। तो ये अहंकार है। और कार्पण्य का अर्थ है भगवान में परम कारुणिक भावना करना। तो भगवान परम करुणा से युक्त है और मैं अतिशय पातकी हूं, पापी हूं, पामर हूं, नीच हूं, दीनहीन हूं, यह भावना कर पड़ गया। और यह तो पांच अंग हुए। और जो गोपतृत्व वर्ण, भगवान को अपने रक्षक के रूप में वर्ण करना, और इसका क्या अर्थ है? जो त्रयधीश है वो हमारी रक्षा करेंगे, उन पर विश्वास करना, वो यही उनको गोपतृत्व के रूप में वर्ण करना है। लेकिन फिर भी आप भक्ति में जानते हैं कि अनुशीलन तीन प्रकार से है। कृष्णानुशीलनम की व्याख्या पढ़ेंगे तो तीन प्रकार से अनुशीलन है ना, शरीर से, वाणी से और मन से। और यह जो वर्ण करने का अनुशीलन है तो इसका भी तीन क्षेत्र होगा। तो उसका स्वरूप है तवास्मि इति बदन वाचा, वचन से बोलिए कि हे नाथ मैं आपका हूं।
और तथैव मनसा भीतर। ऐसा नहीं कि बोले जबान से कुछ और मन में कुछ रहते, जैसा बोल रहे वैसा ही मन में भावना कीजिए। और तत् स्थान मात्र मात्रत तनवा मोदित शरणागत, और शरीर से भगवान के लीला भूमि का सेवन करना चाहिए। भगवान को रक्षक के रूप में वर्ण करने का क्या अर्थ हुआ? शब्द से बोलना हे नाथ मैं आपका, और मन से भावना कर वैसा ही भावना करना, और शरीर को तत् स्थान मतलब भगवान के स्थान में। टीका में स्पष्ट लिखा गया भगवान की लीला भूमि भगवान के धाम, शरीर को रखना और यह शरणागति का स्वरूप है, कृष्ण के वरण का स्वरूप है, और यही शरणागति का मुख्य धारा है। तो पांच क्यों दे दिया गया है भाई? वो भी सहायक है, अंग है, और जो पांच के साथ इस धारा को स्वीकार करता है, पांच समझ रहे हैं ना, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्धन, तो उसको सिद्धि जल्दी मिलती है, तुरंत सिद्धि मिल जाएगी। पांचों अंग के साथ रक्षक के रूप में कृष्ण का वर्ण किया तो एकदम अति शीघ्र सिद्धि मिल जाएगी। और अब पांच में से कुछ कमी कर रहे हैं, तो जैसा कमी रहेगा वैसा देर होगा, समझ रहे हैं ना? तो यह सिद्धांत है, तो यह तो शरणागति का स्वरूप है। अब यहां तक आत्मनिवेदनम की बात है, तो आत्मनिवेदन आत्मा को निवेदित करने, तो आत्मा का मुख्य दो अर्थ लिया गया है, जो शुद्ध जीवात्मा है उसको या शरीर को, तो दोनों अर्थ में निवेदित घटित होता है। और इसके लिए और लिखा गया है अर्थो द्विधात्म शब्द से पंडित है उपाध्य थे, जो पंडित लोग हैं तो आत्मा का दो रूप में अर्थ करते हैं, देही अहंतास्पद, जो देही है जो अहंता का आस्पद है, और कश्चित देहम कश्चित ममत्व भाव, और कोई देह को आत्मा कहते हैं जिसमें ममता है, एक अहंता है और एक ममता है। तो अहंता का आस्पद विषय जो है तो वह हुआ आत्मा, या जो मम का विषय है वह हुआ मेरा शरीर, यह आत्मा हुआ। तो दोनों अर्थ में यह आत्मनिवेदन चलता है। और जामुनाचार्य स्तोत्र लिखे हैं, तो बपुरादेशी कोपि गुण तो सानी यथा तथा विधा तदयम तो पाद पद्म अहम अद्यैव मया समर्पित। किसी भी शरीर में बपुरादेशी भाई आत्मा तो शरीर में ही रहता है, तो किसी प्रकार किसी शरीर में कहीं भी हो, वो तो पता नहीं चलता है कहाँ है, तो कहीं भी हम शरीर में हो या गुणतः आसानी यथा तथा विधा, या प्रकृति का गुण है शरीर, शरीर तो प्रकृति का गुण ही है ना, तो हम चाहे शरीर रूप में और शरीर के भीतर किसी रूप में आत्मा रूप से हो, तदयम तो पाद पद्मयो अहम अद्यैव मया समर्पित, हम तुरंत अपने को आपके चरणों में समर्पित कर किसी अर्थ में। अच्छा, अब है भाई आत्मा यदि शरीर है तो आत्मा अर्पित करने का एक अर्थ लिया जाता है, जब हम शरीर अर्पित कर दिए तो शरीर का पूरा पूरा उपयोग भगवान की सेवा में करें, अब अपने लिए कुछ नहीं करें, जैसे अम्बरीश महाराज है। तो लेकिन यह तो थोड़ा कठिन हो जाता है, तो कुछ लोग वो दाहिना हाथ को भगवान के सेवा के लिए, जब अब इस दाहिना हाथ से कोई काम नहीं अपने लिए, केवल भगवान की सेवा, तो यह भी आत्मनिवेदन का स्वरूप है। लेकिन मुख्य स्वरूप है कि अपने शरीर के भरण पोषण की चिंता न करना, चिंता कुर्यान रक्षा ही विकृत से यथा पशु, जैसे किसी पशु को बेच दिए
तो उसको खिलाने पिलाने की चिंता से मुक्त, आप अब चिंता नहीं करते। और तथार्पयन हरौ देहं विरमे दस्य रक्षणाय, अब शरीर भगवान को अर्पित कर दिए, अब इसके खिलाने पिलाने की चिंता से मुक्त हो जाना, यही आत्मनिवेदन का स्वरूप है। और जो आप कह रहे थे कि गोपतृत्व वर्ण, और उसका स्वरूप ओरिजिनल रूप में कुछ दूसरा है। भगवान का मैं हूं, आपका मैं हूं, वाणी से बोलना, मन से सोचना और शरीर को भगवान के धाम में रखना, यह भगवान को रक्षक के रूप में वर्ण करने का स्वरूप है। और आत्मनिक्षेप का अर्थ है अपने अहंकार को दूर करना, और आत्मनिवेदन का स्वरूप है अपने शरीर के भरण पोषण की चिंता न करना। तो अब ओवरलैप कर रहा है कि अलग अलग हो गया, अब कोई कठिनाई हो तो पूछ सकते हैं, टाइम पूरा हो गया है, जिसको जानना है जा सकते हैं। भजन में भक्ति गुरु ठाकुर आत्मनिवेदन आत्मक्षेप को एक ही एक जैसा बोलते हैं। आपने जो भजन लिखा हुआ शरणागति भजन, आत्मक्षेप को आत्मनिवेदन बोला, जैन ने आत्मनिवेदन भक्ति गुरु। और देखिए सब भक्ति के अंग ही है, तो सब तो कुछ मिलता जुलता है ही है ना, कुछ तो कॉमन होता है, सब चीज में होता है। अब आप तो एक ही काम कर रहे हैं, तो उसी को किसी दिन जॉब कहते हैं और किसी दिन संख्या संकीर्तन कहते हैं। कोई कोई जॉब कहता है, कोई संख्या संकीर्तन कहता है। तो कुछ अपना अपने ढंग से भी वर्णन करने में तो कुछ आ जाता है, लेकिन जहां भक्ति का निरूपण किया गया है, जहां स्पेशली निरूपण किया गया है कि ये भक्ति का यह स्वरूप। ठीक है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, आपका तो प्रश्न नहीं आया ना। शरण में हम लोग आए, किसके शरण में? भगवान के धाम के शरण में हम लोग हैं, अपने लोग बताया। तो यहाँ धाम में अनेक प्रकार के लोग हैं, कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, भक्त हैं। भक्त में भी हम अभी अनिश्चित भजन के कर्म हैं, अभी कर्म जाना विषय वासनाओं से जुड़ रहे हैं। तो ये जो हम धाम का शरण लिए हैं और अभी तक शुद्ध नहीं हुए, प्रयास करते हैं, तो अगर धाम में रह के भी त्रुटि गलती अपराध या दोष इत्यादि रहता है, तो फिर तो उसका परिणाम क्या हमें भोगना पड़ेगा? क्या चाहते हो उत्तर? मेरे को अनुमति नहीं भोगना पड़ेगा। कुछ अधिक भोगना पड़ेगा, लिखा गया है ना कि कैसे अन्य स्थान से कृता पापा, यदि दूसरे जगह पाप किए हैं तो तीर्थ सेवन से धूल जाता है, और तीर्थ में जो पाप करेंगे तो वज्र वज्र लेख हो जाता है ना, वो जल्दी मिटता नहीं है, ज्यादा भोगना पड़ेगा। तो कोई कोई कहेगा तब तो धाम से बाहर ही रहना चाहिए, लेकिन ना गरिष्ठों की विलियत, कोई अपराध हो गया तो धाम के सेवन करने से वो समाप्त हो जाता है। ये प्रश्न आता रहता है। एक दिन खटिया में वो चर्चा कर रहा था धाम की महिमा, से वकील है, बड़े आक्रामक ढंग से पूछे, जब धाम में पाप होगा तब अब वो कैसे समाप्त?
हो गया और मैं भी उनको जानता था। एक वकील साहब तो अब मान लीजिए कि व्यवहार न्यायालय कुछ निर्णय देता है तो उसको कौन निरस्त करेगा? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के निर्णय को कौन निरस्त करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय दे दिया तब कौन निरस्त करेगा? बोलिए, सुप्रीम कोर्ट को पावर है ना रिविजन का, उसको पावर है अपने फैसला को बदल देता है। और एक बार नहीं अनेक बार कौन केस से हम लोग को स्कूल में पढ़ना होता था कि भारत संघीय है कि क्या इसके संविधान का स्वरूप है, तो एक केस में आया है कि यह है, दूसरे में यह है, फिर तीसरे में यह है। और सुप्रीम कोर्ट को पावर है ना कि अपने ही वो फैसला को बदल दे। तो उसी तरह धाम में शक्ति है कि धाम के सेवन से धाम में किया हुआ अपराध भी समाप्त हो जाए। नाम अपराध के विषय में सिद्धांत देते हैं ना कि अब विश्रांत जप से नाम के कृपा से समाप्त हो जाए। लेकिन यह सब है जान करके और मन में बैठा लेना कि चलो धाम में भी अपराध चलेगा, तो धाम अपराध बहुत तगड़ा हो जाएगा ना। अपराध करने से होता है ना, अपराध नहीं करना चाहिए। धाम को ही माता के रूप में वरण करेंगे तो अपराध की संभावना कम रहेगी।